हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लास। दोस्तों, हम जूलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 21 यानी कि 21वां चैप्टर स्टार्ट हमने किया है और 21वें चैप्टर में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेक्चर नंबर सेकंड की बात करेंगे जिसमें हम त्वचा के व्युत्पन्नों की बात करेंगे। तो त्वचा का वर्णन हमने कल पढ़ लिया है, कर लिया है त्वचा का अध्ययन, आज हम त्वचा के व्युत्पन्नों की बात करेंगे। त्वचा के व्युत्पन्न यानी कि त्वचा में जो कोशिकाएं स्थित हैं उन कोशिकाओं में चेंजेज आने से कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं उनको हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। त्वचा के व्युत्पन्नों में हम कितनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे? दो चीज़ों का। सबसे पहले हम इसमें एक रोम की संरचना का अध्ययन करेंगे। रोम जो बाल है हमारे, उस रोम का अध्ययन करेंगे और रोम के अध्ययन के बाद हम किसकी बात करेंगे? रोम के अध्ययन के बाद हम कुछ त्वचा ग्रंथियों की बात करेंगे। त्वचा ग्रंथियां, तो त्वचा के व्युत्पन्न में हमें रोम की संरचना पढ़नी है ना। और दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? त्वचा की जो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं इस त्वचा में वो स्थित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोम का अध्ययन करेंगे। रोम देखिए, रोम नॉर्मल बाल है लेकिन छोटा बाल है, सिर के बाल के बराबर नहीं होता, छोटा बाल है जो मानव शरीर के पूरे शरीर पर पाया जाता है। कुछ भाग हैं जहाँ पर रोम नहीं पाए जाते, वरना अधिकांश भाग ऐसे हैं जहाँ पर रोम पाए जाते हैं। अब देखिए, रोम का उद्गम या उत्पत्ति या निर्माण कहाँ से होता है? तो हमने जो अधिचर्म पढ़ी थी, अधिचर्म की सबसे भीतरी परत हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे भीतरी परत हमने पढ़ी थी अंकुरण स्तर, जिसकी सेल्स स्तंभाकार होती हैं। जिसकी सेल्स कैसे होती हैं? स्तंभाकार होती हैं। तो ये मैंने अंकुरण स्तर बना दिया। इसके ऊपर वो अधिचर्म है, पूरी चार लेयर और हैं इसके ऊपर, और ये हमारा चर्म वाला पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा चर्म वाला पार्ट है और ये अंकुरण स्तर है। ये कौन सा स्तर है? अंकुरण स्तर। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए, जो अंकुरण स्तर है वो जहाँ पर रोम होता है वहाँ पर ये अंदर की ओर घुसता है। कौन? अंकुरण स्तर। अधिचर्म का अंकुरण स्तर क्या करता है? अंदर की ओर दबदा, अंदर की ओर बलत होने के कारण ये इस प्रकार की कुछ संरचना बनाता है। मैंने चारों तरफ इसके सेल्स बना दी हैं जो स्तंभाकार सेल्स हैं, यानी कि चौड़ाई कम है और इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। जल्दबाजी में थोड़ा अलग बन गया पर कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। तो जो अंकुरण स्तर है वो अंदर की ओर बलित हो जाता है चर्म में, ठीक है, तो उसके कारण ही रोम की उत्पत्ति होती है। मतलब रोम का निर्माण किससे होता है? तो रोम का निर्माण होता है अधिचर्म के अंकुरण स्तर से। अंकुरण स्तर या अंकुरण स्तर को हमने कहा था मेल पीघी स्तर से। रोम का निर्माण अधिचर्म के अंकुरण या मेल पीघी स्तर से होता है। पहली बात क्लियर है। अब रोम की संरचना के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। संरचना स्ट्रक्चर देखिए इसकी, स्ट्रक्चर। अब रोम की संरचना में हमें पांच चीजें दिखाई देती हैं। पांच चीजें, कितनी चीजें? पांच चीजें। सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी रोम पुटक। रोम पुटक, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। देखिए दोस्तों, यहां पर रोम होगा, मैं बना देता हूं। यहां पर ये रोम होगा, ये थोड़ा ऊपर ज्यादा पतला होगा, नीचे की साइड थोड़ा मोटा होगा। यहां पर भी चलो अच्छी तरह बना देता हूं, ये लो। और यहां पर कुछ गैप होगा, ये गैप है। तो ये मैंने एक रोम की संरचना बना दी। हम अभी त्वचा का पूरा चित्र बनाएंगे जिसमें अधिचर्म भी शो होगी, त्वचा भी शो करेंगे, रोम भी और त्वचा की ग्रंथियां भी एक ही चित्र में हम सबको शो करेंगे। तो देखिए, ये है एक रोम की संरचना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोम पुटक की बात। तो रोम पुटक क्या है? तो
तो देखिए हेयर फॉलिकल किसे कहते हैं, रोम का जो आधार भाग है ये हमारा का क्या है, रोम है। रोम का आधार भाग जो चर्म में धसा हुआ होता है, यहाँ से कौन स्टार्ट है, यहाँ से चर्म स्टार्ट है, ऊपर अधिचर्म नीचे चर्म, ठीक है दोस्तों, और चर्म के नीचे हाइपोडर्मिस आती है। तो जो रोम है उसका निचला भाग कैसा होता है, थोड़ा फूला हुआ और थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं, थैली के आकार की संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। तो इस संरचना को हम रोम पुटक कहते हैं जो कहाँ दशा हुआ है, ये चर्म वाले भाग में दशा हुआ है। तो ये है हमारा रोम पुटक, यानी कि रोम का आधार भाग फूला हुआ थैली के समान संरचना बनाता है जिसे रोम पुटक कहते हैं। इसके बाद दूसरी संरचना आती है रोम में, तो वो होती है रोम की जड़, रोम की जड़, रूट ऑफ हेयर या हेयर रूट, हेयर रूट। देखिए ये जो रोम है, जो रोम है उसका निचला भाग या रोम की निचली कोशिकाएं विभाजित होती हैं, रोम की निचली कोशिकाएं विभाजित होती हैं जिससे क्या बन जाती है, रोम की जड़ बन जाती है। ये बना दी मैंने रोम की जड़, रोम की निचली कोशिकाएं विभाजित होकर रोम की जड़ का निर्माण करती हैं। और ये भी कहाँ दशा हुआ है, ये भी चर्म में दशा हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट। तो ये हो गया हमारा रोम की जड़, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरी आती है इसमें रोम पेपिला, रोम पेपिला, हेयर पेपिला, रोम पेपिला इंग्लिश में हेयर पेपिला। अब इसमें क्या होता है, रेड कलर दिख रहा है, हाँ इसमें जो सिरा और धमनी होंगी यानी कि जो केशिकाएं होंगी वो यहाँ पर एक गुच्छे का निर्माण करेंगे, किससे किसका निर्माण करेंगे, एक गुच्छे का निर्माण करेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। रेड कलर से जो मैंने बनाई है वो धमनी है और जो ब्लैक कलर से बनाई है वो क्या है, हमारी सिरा है। तो धमनी और सिरा यहाँ पर पहुँचकर किसका निर्माण करती हैं, देखो दोबारा, धमनी और सिराएं हर एक रोम, अच्छा जब हम रोम को उखाड़ते हैं, बाल को उखाड़ते हैं तो हमें दर्द होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित हैं और उन जीवित कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषण पदार्थ चाहिए। तो वो पोषक पदार्थ किसके द्वारा उपलब्ध होने वाले हैं, वो पोषक पदार्थ उसको मिलने वाले हैं रक्त के जरिए या रक्त केशिकाओं के जरिए। तो यहाँ पर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा बना होता है, इस गुच्छे को रोम पेपिला कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रोम पेपिला, रोम पेपिला कहा जाता है। और समझ रहे होंगे अब रोम पेपिला का काम क्या हो गया, इस रोम की जड़ को पोषण प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रदान करना। तो ये किसका कार्य है, रोम पेपिला का। इसके बाद हम बात करते हैं रोम कांड की, रोम कांड, इसको इंग्लिश में हेयर शाफ्ट कहा जाता है, हेयर शाफ्ट। देखिए यहां का अध्ययन हमने कर लिया, ठीक है, अब यहां जो चर्म से बाहर जितना भी रोम स्थित होगा, चर्म से बाहर यानी कि त्वचा की सतह से बाहर का भाग, रोम का भाग क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, रोम कांड। तो ये है इसका रोम कांड, रोम कांड, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। क्या कहा कि जो त्वचा से बाहर जो रोम का भाग होगा, जो हमें दिखाई देता है रोम का भाग, उसको हम रोम कांड कहते हैं, हेयर शाफ्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस रोम कांड को काट के देखा, जो रोम है उसका जो बाहर का भाग है रोम कांड जिसे हमने कहा, उसको काट कर देखा तो उसमें तीन भाग दिखाई देते हैं। तो इसका मैं यहाँ चित्र बना लेता हूँ। ये मान लो हमने रोम को काटा है ऐसे करके और ऊपर की साइड से हम इसको देख रहे हैं, ये रोम है, मैंने ऐसे इसको काटा है और ऊपर की साइड से इसको हम देख रहे हैं, तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसकी बाहर की कोशिकाएं एक स्तरीय होती हैं, रोम की या रोम कांड की बाहर की कोशिकाएं कैसी होंगी, एक स्तरीय। अच्छा ये चित्र केवल याद करने के लिए है, ये हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है, तो ये केवल समझने के लिए ये चित्र है तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, और ये चित्र नहीं है तो इसको हम केवल समझने के लिए बना के रखेंगे, पेपर में नहीं बनाना है। तो देखिए सबसे बाहरी कोशिकाएं जो एक स्तर में पाई जाती हैं इसको उपत्वचा, उपत्वचा क्यूटिकल कहा जाता है, उपत्वचा क्यूटिकल
इसको कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ कितने स्तरीय है, एक स्तरीय। तो ये हो गई क्यूटिकल, सबसे बाहरी सेल्स का आवरण, किसके पास, रोम के पास। अब इसके अंदर चलते हैं, जब हम इसके अंदर चलते हैं तो इसके अंदर ऐसे कोशिकाएं भरी हुई हैं चारों तरफ। क्या भरी हुई हैं कोशिकाएं, अब मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूं। तो ये इसके पास क्या स्थित हैं, कोशिकाएं स्थित हैं, और इस कोशिकाओं को कहते हैं बलकुट भाग। बलकुट, बलकुट को इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहा जाता है। तनुई में, जड़ में, इनमें हम जब हम बोटनी पढ़ेंगे दोबारा, अच्छा 12th की बोटनी में इतनी चीज़ नहीं है इनके बारे में, 11th की बोटनी में बहुत अच्छी डिटेल में है। तो इस पूरे भाग को बलकुट कहा जाता है, कॉर्टेक्स, और ये एक इसका इम्पोर्टेंट भाग है, किसका, रोम का। और इसके बाद इसके अंदर की जो सेल्स हुई वो कैसी होती हैं, बहुकोणीय होती हैं। जैसे मैंने ये षटकोणीय बना दी हैं, तो इसके अंदर की जो सेल्स हुई वो कैसी होंगी, षटकोणीय या बहुकोणीय मान लें, ऐसे बहुकोणीय सेल्स इसमें होंगे। ये मैंने बहुकोणीय सेल्स बना दिए। इन बहुकोणीय सेल्स को मध्यांश, मेड्यूला कहा जाता है, मध्यांश, मेड्यूला कहा जाता है। तो ये तो एक रोम की संरचना हो गई, लेकिन बाल जो है वो काला क्यों है और सफेद क्यों है, उसका रीजन हम यहीं से समझेंगे। देखिए, मैंने इस बलकुट भाग के अंदर या मेडुला भाग के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है। अब देखिए, ये रेड कलर से दिख रहा है। अब जो बलकुट भाग की कोशिका है, ये बलकुट भाग कहाँ है, उपत्वचा, क्यूटिकल और मेडुला के बीच में, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है अपना, ये भाग है अपना बलकुट वाला, कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में ही कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे किसके बीच, कॉर्टेक्स के बीच, जो कॉर्टेक्स की कोशिका हैं उनके बीच कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें रंगकण पाए जाते हैं, जैसे हमने कल बात की थी मेलन, ऐसे वर्णक पाया जाता है। इन सेल्स को कहा जाता है रंगकण या रंगा कोशिकाएं, रंगा कोशिकाएं। और रंगा कोशिकाएं ये हैं, इनको मेलेनोसाइट भी कहा जाता है, मेलेनोसाइट। किसको, जो रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं इनको मेलेनोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या भरा हुआ है, इनमें रंगा कण भरे हुए हैं, रंगा पदार्थ भरा हुआ है, जिसे मेलानिन कहा जाता है। क्लियर है इतना दोस्तों, क्या कहा कि जो अपना बलकुट या कॉर्टेक्स का भाग है उसमें कोशिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको रंगा कोशिकाएं कहते हैं, और इंग्लिश में इनको मेलेनोसाइट कहते हैं। मेलेनोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक वर्णक भरा हुआ होता है जिसका नाम है मेलानिन। इतना क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं वो नष्ट होने लग जाती हैं। ये जब कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं तो इनमें ध्यान दें, जब ये कोशिकाएं नष्ट होंगी, मेलेनोसाइट कोशिकाएं, तो इनकी जगह हवा भरने लगती है। क्या भरने लगती है, हवा। और हवा भरने के कारण बाल का रंग सफ़ेद होने लगता है। क्लियर है दोस्तों, इसमें मेलेनोसाइट होंगी तो बाल का रंग कैसा होगा, जैसे मेलानिन ज़्यादा है तो ब्लैक होगा, कम है तो दूसरा कलर बनेगा। लेकिन जैसे ही मेलेनोसाइट कोशिकाएं खत्म होंगी तो उन कोशिकाओं के स्थान पर क्या बनने लग जाएगी, हवा। और हवा बनने से उनका रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद। तो ये बात क्लियर है, इसको आप समझने के लिए बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझने के लिए जरूरी है। चलिए, तो हमने चार पार्ट देख लिए हैं रोम में। अब इसके बाद पाँचवा पार्ट आता है, रोम कांड के बाद पाँचवा पार्ट आता है, जिसको कहते हैं एरेक्टर पिलाई पेशियम, इंग्लिश में भी एरेक्टर पिलाई मसल्स, एरेक्टर पिलाई पेशियम। देखिए दोस्तों, इस रोम से कुछ ऐसे पेशियां जुड़ी होती हैं, रोम से पेशियां जुड़ी होती हैं, जिनको एरेक्टर पिलाई पेशी कहते हैं। इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमें डर लगता है या जब हमें सर्दी लगती है ना, तो हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना किसके हाथ में है, ये एरेक्टर पिलाई पेशियों के हाथ में है। ठीक है दोस्तों, एरेक्टर पिलाई पेशियों का काम क्या है, रोम को खड़ा करना। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि ये कैसी पेशियों से बनी होंगी, तो ये बनी होंगी अरेखित पेशियों से, अरेखित पेशियों से बनी। पेशियां क्या होती हैं, अरेखित पेशी, रेखित पेशी, है ना। अरेखित पेशी का मतलब होता है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अरेखित का वास्तविक अर्थ है कि उस पर रेखा नहीं है। जब हम
ट्वेल्थ में ही शायद हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र, तो वहाँ पर हम मसल्स की संरचना को देखेंगे, जहाँ पर एक्टिन मायोसिन ये क्या होते हैं तंतु, तो एक्टिन मायोसिन का क्रम पाया जाता है वहाँ पर। और मायोसिन जो तंतु होता है वो डार्क होता है, मायोसिन तंतु के डार्क होने के कारण वहाँ पर एक लाइनिंग दिखाई देती है, और लाइनिंग अगर है तो वो रेखित पेशी कहलाते हैं, और अगर लाइनिंग यानी कि मायोसिन तंतु नहीं है तो उसको अरेखित पेशी कहते हैं। और अरेखित पेशियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी इनको हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो एरेक्टर प्लाई पेशियाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था हमारा एक रोम की संरचना। अब रोम के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, त्वचा की ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका चित्र समझने के लिए हमें बनाना है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम त्वचा की ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है, और घर बैठे पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घर बैठे बैठे हम आपके लिए ट्वेल्थ बायोलॉजी का पूरा मैटर पहुंचा रहे हैं। और अगर कोई शिकायत है, कोई कमी है, तो उसके बारे में भी हमें अवगत जरूर कराएं। चलिए अब हम दूसरी चीज़ का अध्ययन करेंगे, त्वचा ग्रंथियाँ। अब त्वचा ग्रंथियों को समझने से पहले हमें तीन परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए। अच्छा, हमने सबसे पहले ग्रंथियां पढ़ी थी, हमने तो नहीं पढ़ी, लेकिन तुम शायद जानते होंगे इन ग्रंथियों के बारे में कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन त्वचा ग्रंथियों को समझने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, बहिःस्रावी और दूसरी होती हैं अंतःस्रावी। ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, बहिःस्रावी अंतःस्रावी। बहिःस्रावी का मतलब क्या है, ऐसी ग्रंथियाँ जिनका स्राव बाहर आकर, ठीक है, ऐसी ग्रंथियाँ जिनका स्राव बाहर आकर खुलता है ना, तो इनको कहते हैं बहिःस्रावी। और अंतःस्रावी का मतलब है ऐसी ग्रंथियाँ जिनका स्राव बाहर नहीं होता, कहाँ पर ये छोड़ती हैं अपने स्राव को, रक्त में, और ये कहाँ छोड़ती हैं, बाहर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों के, बाहर जैसे कि पसीना ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, ठीक है, इनके स्राव कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ग्रंथियाँ, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे पीयूष ग्रंथि है जो अपने स्राव को कहाँ छोड़ती है, डायरेक्ट ब्लड में। पीयूष ग्रंथि की बात और भी ले लो, कौन सी, पीनियल ग्रंथि ले लो, पीनियल ग्रंथि। अब बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, है ना, पीयूष, पीनियल, उसके बाद थायरॉयड, पैराथायरॉयड, बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए दोस्तों कि जो बहिःस्रावी ग्रंथि, अच्छा इनको ये बाहर निकलती हैं, मतलब अंदर स्थित है, तो इसको बाहर निकलने की पाइप की ज़रूरत होगी, ठीक है, उस पाइप को हम क्या कहते हैं, नलिका। तो ये ग्रंथियाँ नलिका युक्त होंगी, ये ग्रंथियाँ कैसी होंगी, नलिका युक्त ग्रंथि होंगी, और ये नलिका विहीन, नलिका विहीन ग्रंथि या नलिका रहित ग्रंथि कहलाती है। नलिका युक्त ग्रंथि किसे कहेंगे, बहिःस्रावी ग्रंथि। क्यों, क्योंकि स्राव को निकलने के लिए बाहर जाने का रास्ता चाहिए, और वो रास्ता किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, इसी नलिका के द्वारा। मान लो ये कोई सेल है, ग्रंथि है, तो इसका स्राव यहाँ तो बना, लेकिन इसको बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, ये नली चाहिए, और ये स्राव यहाँ आ जाएगा, तो इस ग्रंथि को कहते हैं नलिका युक्त ग्रंथि, और इनको ही कहा जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि, ये स्रावी ग्रंथि है, तो यहाँ पर इसके पास क्या जा रही होगी, किसी का जाएगी, तो ये अपना डायरेक्ट स्रवण को कहाँ डाल देगी, ब्लड में डाल देगी, तो इसको कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसके बारे में हमें जानकारी करनी है, तो देखिए अब बहिःस्रावी ग्रंथियों को वास्तव में तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। एक होती है पहली एक्राइन या मीरोक्राइन, थोड़ा इसको क्या है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बस नाम याद करने हैं हमें, ज़्यादा कुछ डिटेल याद करनी नहीं है। एक्राइन या मीरोक्राइन ग्रंथि। दूसरी होती है होलोक्राइन, होलोक्राइन ग्रंथि। और तीसरी होती है एपोक्राइन ग्रंथि। नाम एक्राइन या मीरोक्राइन, होलोक्राइन, एपोक्राइन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, एक्राइन ग्रंथि क्या होती है ना, तो इसमें क्या होता है,
जो सेल होगी या सेल्स का समूह जिसे हम ऊतक कहते हैं, और ऊतक जब स्त्रवण का कार्य करे तो हम उसको ग्रंथि कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? जैसे ये एक सेल है तो सेल्स का ग्रुप हो गया, उसको हम ऊतक कहते हैं। और अगर ये सभी कोशिकाएं स्त्रवण का काम करें तो इनको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो ग्रंथि है, मान लिया हमने इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ये ग्रंथियाँ हैं, तो इनके द्वारा, चलो मान लो मैंने ये सेल्स बनाई दी हैं इस ग्रंथि की, तो ये ग्रंथियाँ क्या कर दी हैं? अपना स्त्रवण पदार्थ बनाएंगी। ये इनमें स्त्रवण पदार्थ बन गया। इस स्त्रावित पदार्थ को ये सेल्स क्या कर दी हैं? धीरे धीरे रिसकर, धीरे धीरे सेल्स से रिसकर ये पदार्थ बाहर आता है और यहाँ आकर ये बाहर चला जाता है। मतलब ये पदार्थ का स्त्रवण कैसे करेंगी? रिस रिसकर। कैसे करेंगी? रिस रिसकर। और दूसरी बात इसमें हमें याद रखनी है, वो है कि इनमें, इस स्त्रवण में सेल्स का भाग, कोई भी भाग नहीं होगा। ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो कौन सी ग्रंथि है, मीरोक्राइन या एक्राइन ग्रंथि है, उसमें एक तो पहली बात, स्त्रवण पदार्थ कैसे होगा? रिस रिसकर सेल्स से बाहर आएगा, इस ल्यूमेन में, इस कैविटी में भरेगा। और दूसरी बात है कि इस स्त्रवण में, उस स्त्रावित जिससे वो स्त्रवण हो रहा है, उस कोशिका का कोई भी पार्ट नहीं होगा। मान लो मैं कोई कोशिका हूँ, मैं कैसी कोशिका हूँ? मैं हूँ एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की कोशिका। तो मैं जब कोई पदार्थ स्त्रावित करूँगा तो मेरा कोई भी पार्ट उसमें नहीं जाएगा, केवल मेरा क्या होगा? स्त्रावित पदार्थ होगा, मेरा कोई भी पार्ट टूट कर नहीं जाएगा। तो ऐसी ग्रंथि को कहते हैं, कौन सी ग्रंथि? एक्राइन या मीरोक्राइन ग्रंथि। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, आया दोस्तों समझ में? दूसरी की बात करते हैं, दूसरी ग्रंथि अपनी होलोक्राइन ग्रंथि, होलोक्राइन, हॉल, हॉल से याद हो जाएगी। ये ऐसी ग्रंथि है जिसमें सेल्स टूटकर खुद स्वयं बाहर आएगी, सेल खुद या स्वयं टूटकर स्त्रवण में मुक्त, स्त्रवण में मुक्त। अब दूसरे प्रकार की कोशिका कौन सी अपनी? तो वो है होलोक्राइन, मतलब हॉल से हमें याद हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कोई होलोक्राइन प्रकार की कोशिका हूँ, तो मेरे द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ होगा उसमें मैं खुद भी चला जाऊँगा। पहली क्या थी? जिसमें मैं नहीं जाऊँगा, तो वो तो है कौन सी? एक्राइन या मीरोक्राइन। जिसमें मैं खुद चला गया, मैं सेल मान रहा हूँ खुद को, मैं खुद चला गया, तो इसको कहेंगे होलोक्राइन। सेल्स खुद टूटकर स्त्रवण में मुक्त हो जाती है, सेल्स खुद नहीं जाएगी, मतलब टूट कर जाएगी, डायरेक्ट नहीं। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मीवोमियन, मीवोमियन, अभी इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आंख में पाई जाती, पलक के पास, मीवोमियन ग्रंथि है। और इसका ही एग्जाम्पल एक और है, तेल ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड जिसे कहते हैं। तो ये इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब तीसरी आती है, वो है एपोक्राइन ग्रंथि। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ये नाम परेशान करेंगे, ये ग्रंथि कैसी है, ये ग्रंथि कैसी है, ये ग्रंथि ऐसी है, तो कैसी है भाई? इसको समझने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। अब एपोक्राइन ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की हो गई। एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि कैसी है कि ये स्त्रवण तो करेंगी लेकिन सेल्स का केवल कुछ भाग स्त्रवण में आएगा, सेल्स का कुछ भाग स्त्रवण में होगा। अगर पूरी सेल अगर बाहर स्त्रवण में आ रही है तो उसको होलोक्राइन कह रहे हैं, और वहाँ जो सेल आएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉल। और वहाँ पर थोड़ी देर बाद दूसरी कोशिका बन जाएगी, ये बात फिक्स है। तो होलोक्राइन में हॉल बना था, मतलब पूरी कोशिका नष्ट हो गई थी। एक्राइन, एक्राइन में मतलब ए यानी बिना होता है, तो सेल्स से रिसरिस कराएगा लेकिन कोशिका का कोई से भाग नहीं होगा, लेकिन एपोक्राइन में सेल्स का कुछ भाग ही स्त्रावित हो जाएगा। तो ये तीनों बात क्लियर है दोस्तों। एक इसका स्क्रीनशॉट लेने, नोट्स में केवल पेज के ऊपर लिख लें इसको। मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो एक बार में नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखिए त्वचा की ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। हमने वो आउटलाइन पढ़ ली है कि ग्रंथियाँ कैसी कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, और सारी ग्रंथियाँ जो त्वचा की ग्रंथियाँ होंगी वो सभी कैसी होंगी? बहिस्त्रावी प्रकार की, बहिस्त्रावी यानी इसका, इनका स्त्रवण कहाँ जाएगा? बाहर। और दूसरी बात करें तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथियाँ कहा जाता है? नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथियाँ। अभी हमने समझा दिया है क्या होती हैं। अच्छा, अब इनका निर्माण कहाँ से होता है? देखिए, रोम का निर्माण कहाँ से हुआ था? अंकुरण स्तर से। और त्वचा ग्रंथियों का निर्माण भी कहाँ से होगा? अंकुरण स्तर से ही
होता है, यानी अंकुरण स्तर फॉल्ड होकर, जैसे मान लो ये अंकुरण स्तर है तो ये कहीं पर फॉल्ड होकर है, ऐसे रोम भी बनाया था, और अगर इसी में एक और फॉल्ड हो जाए तो यहाँ पर एक ग्लैंड बन जाएगी। अभी आगे चलते हैं, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि ये भी अंकुरण स्तर के चर्म में अंतर्वलन से बनती है, ये अंकुरण स्तर है, इसके चर्म में अंतर्वलन से ये ग्रंथि बन जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो त्वचा ग्रंथियां कहाँ से बनती हैं? अंकुरण स्तर के चर्म में अंतर्वलन से, नोट कर लें इसको। अब देखिए कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सभी ग्रंथियां त्वचा ग्रंथियों कैसे हैं, बहिस्त्रवि। सबसे पहले हम ला रहे हैं स्वेद या पसीना ग्रंथि। स्वेद पसीना, पसीने को बोलता है क्या, स्वेट बोला जाता है, स्वीट ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आ रही है, पसीना ग्रंथि। तो वह ग्रंथि जो किसका स्त्रवण करें, पसीना। पसीना ग्रंथि किसे कहेंगे, परिभाषा बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या है कि वे ग्रंथियां जो पसीने का स्त्रवण करती हैं पसीना ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब ये कैसी होती हैं, ये लंबी और कुंडलित ग्रंथियां हैं, लंबी और कुंडलित। अभी हम चित्र बनाएंगे उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। चलो ये मान लिया मैंने पसीना ग्रंथि का चित्र बना दिया है, ये ऐसे फैली होती है, तो यही है चर्म में स्थित है। तो ये पसीना ग्रंथि है, और ये कैसी होती है, लंबी कुंडलित और नलिकाकार है, क्योंकि नली के समान है तो नलिकाकार। इतना क्लियर है दोस्तों, पसीना ग्रंथि कैसी है, लंबी है, कुंडलित है और नलिकाकार है। अब हम पसीने की बात करते हैं, तो पसीना क्या है, पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें मेन तो एक लवण है, कुछ CO2, कुछ यूरिया आदि होते हैं, हाँ, और एक मेन चीज़ जिसमें होती है वो है जल। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ऐसे को तो भूल गए। पसीने में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे लवण है, CO2, यूरिया और जल, ये मुख्य पदार्थ होते हैं, और इन सब के कारण इसका टेस्ट स्वाद कैसा होगा, इसका स्वाद होगा नमकीन। पसीने का स्वाद कैसा होगा, नमकीन की तरह होगा। ठीक है दोस्तों, अब स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की ग्रंथि है, हमने तीन प्रकार पढ़े, एक्राइन, एपोक्राइन, मेरोक्राइन। तो ये पसीना ग्रंथि कहां पे हमने एग्जांपल देखा था, तो ये एक एक्राइन, या इसी को कहते हैं मेरोक्राइन, एक्राइन या मेरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, जिसका स्त्रवण कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर बाहर आता है। ये बात हमने कर ली थी कि एपोक्राइन या मेरोक्राइन जो ग्रंथि है वो किस प्रकार की होती है, इसकी बात हमने कर ली थी। अब देखिए इसका काम और क्या है, कल हमने देखा था त्वचा के कारण में कि हमारी जो बॉडी है वो पसीना ग्रंथियां हैं, उसमें वो पसीना ग्रंथियां किस प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर दिए हैं। तो इसका काम है शरीर का ताप बनाए रखना, ताप बनाए रखना, कैसे, पसीने का स्त्रवण करके, कैसे करती हैं, पसीने का स्त्रवण करके। अब इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में जान लेते हैं कि पसीना ग्रंथि कहाँ होती हैं और कहाँ नहीं होती हैं। पहली बात कि मानव में ये किसका चिन्ह है, लगभग का चिन्ह बनाऊंगा मैं, मानव में लगभग कितनी पसीना ग्रंथियां होती हैं, तो 25 लाख। मानव में लगभग 25 लाख स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 25 लाख। और ये कहाँ कहाँ होती हैं, तो वो देखिए उपस्थिति कहाँ अधिक है कहाँ कम है। देखिए सबसे पहले हमें इसमें आंख की जो पलक है, आंख की पलकें, पलकें जानते हैं ये, तो आंख की पलकों पर ज्यादा है, दूसरे जननांगों के पास, आंख की पलकों के पास ज्यादा है, जननांगों के पास ज्यादा है, गुदा के पास, एनस जिसे कहते हैं, और चुचूक जिसे निप्पल कहा जाता है, के पास, निप्पल के पास, आंख की पलकें जननांगों के पास, गुदा के पास और चुचूक के पास, यानी कि निप्पल के पास, ये पसीना ग्रंथियां अधिक पाई जाती हैं। लेकिन ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कहां होंगे, सर्वाधिक ये कहां होंगे,
ये तो है, यहाँ पर तो है ही, वैसे तो पूरी बॉडी में पसीना ग्रंथि, ऐसा पार्ट बहुत कम है जहाँ पे पसीना नहीं आता, लेकिन आँख की पलकें जननांगों के पास, गुदा और चुचुकेन के पास ज़्यादा होती हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं पसीना ग्रंथियाँ, तो वो होंगी हथेली और हथेली तलुए व बगल, बगलों में, हथेली तलुए पैर में और बगल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसीना ग्रंथि या श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती। बस इतने से डिटेल है हमारे पसीना ग्रंथि में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये कैसी प्रकार की ग्रंथि है? ये एक्राइन या म्यूरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, जिससे स्त्रवण कैसे होता है, रस रस कर बाहर निकलता है और सेल का कोई भी पार्ट इसमें नहीं होता है। इसको उड़ा देता हूँ मैं, टीप लूँ फटाफट। चलिए, क्लियर इतना? वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं। पसीना ग्रंथि तो हो गई, अब इसके बाद अगली ग्रंथि आती है जिसको तेल या सेबेसियस, तेल या सेबेसियस ग्रंथि कहते हैं। अगली ग्रंथि तेल या सेबेसियस, तो किसका स्त्रवण करेगी भैया? तेल या चिकना पदार्थ, या इस चिकने पदार्थ को क्या कहा जाता है? सीबम। तेल ग्रंथियां या सेबेसियस ग्रंथियां एक तेल जैसे चिकने पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, जिसे सीबम कहते हैं। ठीक है, तेल ग्रंथियां या इनको क्या कहा जाता है? चिकना पदार्थ स्त्रावित करती हैं, इसलिए इनको तेल ग्रंथियां कहा जाता है। और ये उस तेल जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इनको सीबम कहा जाता है। अब ये कैसा होता है सीबम? तो ये पहली बात चिकना होता है, और साथ में कैसा होता है? गाढ़ा। चिकना और गाढ़ा पदार्थ होता है। अब ये चिकनी है तो ये जलरोधी बनाती हैं, जलरोधी परत। कैसी परत बना देती हैं? जलरोधी परत बना देती हैं। अब ये ग्रंथियां कहाँ होती है? तो हमने रोम की संरचना दोबारा बनाते हैं। ये लीजिए, ये अंकुरण स्तर है, यहाँ पर इसके सेल्स होंगे, ऐसे सेल्स होंगे। तो यहाँ पर तो था रोम, यहाँ पर रोम की क्या थी? जड़ थी। और इस ग्रंथि यहाँ पर है, ये रोम के पास या रोम की पुटिका के पास स्थिति देखिए क्या है, यानी कहाँ स्थित है? रोम की जड़ या पुटिका के पास, रोम की जड़ या पुटिका के पास कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आंसर होगा तेल ग्रंथि या सेबेसियस ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है ये? तो ये एक होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है। होलोक्राइन प्रकार, समझ गए क्या होती है होलोक्राइन प्रकार? मतलब इसके स्त्रवण में इसका खुद का पार्ट होगा, और जहाँ से ये कोशिका निकलेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉल, बाद में भर जाएगा, नई कोशिका बन जाएगी। लेकिन इस कौन सी ग्रंथि है? तेल या सेबेसियस ग्रंथि है, वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो वो होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है। अब इसका काम क्या है? ये इस पूरे रोम को चिकना बना दिए, तो कार्य रोम या रोम कांड को चिकना बनाना, रोम कांड को चिकना बनाना, ये इसका कार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। जैसे कि हमने पसीना ग्रंथि में देखा था ये कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती, तो ये कहाँ पर होती है? ये संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है। तो तेल ग्रंथियाँ हैं वो संपूर्ण शरीर पर पाई जाती हैं, परंतु अपवाद भी देखिए, यहीं लिख देता हूँ, संपूर्ण शरीर पर पाई जाएंगे अपवाद। इसके दो अपवाद हैं, पहला है हथेली और दूसरा है तलुए। हथेली और तलुए इन दोनों स्थानों पर ये नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पर ये दोनों स्थानों पर हथेली और तलुए पर नहीं पाई जाती। हमने इसमें देखा था कि हथेली और तलुए पर ज़्यादा पाई जाती हैं श्वेत ग्रंथियाँ, लेकिन तेल ग्रंथियाँ हथेली और तलुए पर नहीं पाई जाती हैं। तो भाई कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये सबसे ज़्यादा एक तो होंठ, लिप्स, लिप्स पर पाई जाती हैं। इसके बाद जो चुचुक है जिसे निप्पल कहा, वहाँ पर भी ये अधिक पाई जाती हैं। और अगला है शिश्न मुंड, जिसे मॉन्स प्यूबिस
कहा जाता है। शिश्न मुंड यहाँ पर ये अधिक पाई जाती हैं, और ये तीनों वो स्थान हैं जहाँ पर बाल या रोम नहीं पाए जाते। ध्यान से देखिए क्या कहा, क्या कहा, देखो पहली बात कि ये ग्रंथियां रोम कांड को चिकना रखती हैं, यानी कि जहां पर रोम होगा, ध्यान से देखना, जहां पर रोम होगा या बाल होगा वहां पर क्या होगी, तेल ग्रंथि होगी, लेकिन होंठ, निप्पल और मांस प्यूबिस, शिश्न मुंड, ये तीन वो स्थान है जहां पर बाल नहीं है, रोम नहीं है, लेकिन तेल ग्रंथियां हैं। क्लियर है बात? और वैसे संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है, लेकिन हथेली और तलवों पर तेल ग्रंथियां नहीं होती है, यहां पर केवल कौन सी ग्रंथियां होंगी, पसीना ग्रंथियां होती हैं। अब इसके बाद क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, यही वो ग्रंथियां हैं जो विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं, यही वो ग्रंथियां हैं जो विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। यानी विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ हो रहा है भैया, इन तेल ग्रंथियों, सीवीसीस ग्लैंड्स के पास। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत बढ़िया, चलो छापते रहें, टीपते रहें, बढ़िया। अब इसके बाद हम अगली कंडीशन चलते हैं, अगली ग्रंथि कौन सी है, अगली ग्रंथि आती है स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, इसको मेमरी ग्लैंड बोला जाता है, मेमरी ग्लैंड। अब देखिए कहां पर पाई जाती है, सबको पता है, ये बक्स पर स्थित होती है, कहां स्थित होती है, बक्स पर, और चर्म की गहराई में स्थित होती है, चर्म की गहराई में। अब इनके डिटेल में हम संरचना जूलॉजी में ही हम किसी चैप्टर में करेंगे, ट्वेल्थ में ही है, याद नहीं आ रहा कौन सा पार्ट है, ठीक है बाद में करेंगे हम इसका अध्ययन। तो स्तन ग्रंथि जो है वो बक्स पर यानी कि चर्म की गहराई में स्थित होती है, और इनकी संरचना कैसी होती है, तो ये संयुक्त नलिकाकार, संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कूपिकाकार या संयुक्त कूपिकाकार प्रकार की ग्रंथियां हैं। क्या होती हैं ये, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है, किसकी, दुग्ध ग्रंथियों की, ये दुग्ध ग्रंथियां हैं, और ये दुग्ध ग्रंथियां आगे चल के क्या होती हैं, एक नली में खुलती हैं, बड़ी नली में, ये एक दो तीन चार, मैंने चार स्तन ग्रंथियां बनाई हैं, ठीक है, ये चारों स्तन ग्रंथियां एक नलिका में खुल रही हैं, तो यानी कि ये नलिकाएं हैं वो संयुक्त हो गई, तो इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कूपिकाकार कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी लोब्स पाली होती हैं, और प्रत्येक पाली में दो चार पाँच स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो एक साथ निप्पल पर बाहर आके खुलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसी ग्रंथियां हैं, तो ये है एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि, एपोक्राइन, एपोक्राइन क्या होती हैं, स्त्रवण में सेल का कुछ भाग, सेल्स का कुछ भाग कहाँ, स्त्रवण में इनका होता है। अच्छा परिभाषा क्या है, पता ही है सबको, दुग्ध का स्त्रवण करने वाली सेल्स को दुग्ध ग्रंथियां कहा या स्तन ग्रंथियां कहा जाता है। दुग्ध का स्त्रवण, दुग्ध का कार्य क्या है, शिशु को पोषण प्रदान करना, शिशु को पोषण। क्लियर है दोस्तों, इतना बक्स पर स्थित होंगी, चर्म की गहराई में, संयुक्त नली का कार्य, संयुक्त कूपी का कार्य कहते हैं, एपोक्राइन या सेल्स का कुछ भाग इनके स्त्रवण में होगा, और दुग्ध का स्त्रवण होती है जो सबसे बेहतरीन भोज्य पदार्थ है, किसके लिए, शिशु के लिए। इसके बाद इनका ये तो है ना कि कहाँ स्थित है कहाँ नहीं है सबको पता है, हाँ नर में भी होती हैं, लेकिन ये अल्प विकसित या अविकसित होती हैं, लेकिन मादा में ये पूरी तरह से विकसित या पूर्ण विकसित होती हैं। इन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। यानी स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कब होगी, जब मादा की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ए एंड पी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता होगी, तो स्तन ग्रंथियां बड़ी हो जाएंगी, फूल जाएंगी। इसके बाद लेकिन दुग्ध ग्रंथियां केवल अभी बड़ी होंगी, दुग्ध का स्त्रवण नहीं होगा, तो दुग्ध स्त्रवण का कंट्रोल दूसरे हार्मोन के नियंत्रण में होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ऑक्सी टूसिन,
और इसी पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि स्तन ग्रंथि का विकास यानी वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करता है, तो एपी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और दूसरी है दुग्ध का स्त्रवण, तो वो किसके कंट्रोल में होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। इतना क्लियर है। अच्छा, लास्ट लाइन इसमें है कि ये ग्रंथियां जो हैं वो तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है, तेल ग्रंथियों का, तेल ग्रंथियों से बनी हुई है कोशिकाएं। स्क्रीनशॉट टीपो छापो चलो अगली बात करते हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है सिरुमिनस, सिरुमिनस ग्रंथि, किसका स्त्रवण करेंगे, ये चिकने पदार्थ का जिसे कहते हैं सिरुमिन, सिरुमिन पदार्थ, यानी कि वे ग्रंथियां जो सिरुमिन पदार्थ का स्त्रवण करती हैं क्या कहलाती हैं, सिरुमिनस ग्रंथियां कहलाती हैं। कहाँ स्थित होती हैं, तो ये बाह्य कर्ण कुहर या कर्ण नाल में, ये जो हमारी कर्ण नाल है इसमें ये ग्रंथियां स्थित होती हैं, जिनको सिरुमिनस ग्रंथियां कहती हैं। क्यों कहती हैं, क्योंकि ये सिरुमिनस नामक कर्णमोम, इसको कर्णमोम कहा जाता है, सिरुमिनस नामक कर्णमोम का स्त्रवण करती हैं। क्लियर है दोस्तों। अब ये कौन से ग्रंथियों का स्त्रवण है या रूपांतरण है, तो ये ग्रंथियां स्वेद यानी कि पसीना, पसीना ग्रंथियों का रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है, इतनी सी बात है इसमें बस। कर्ण कुहर क्या है, ये जो हमारा, अच्छा नहीं बता, ये जो हमारा कान है हमारा, और यहां से जो बीच में श्रवण नली जा रही है, तो इसको कहते हैं कर्ण कुहर, और इसी में स्थित होती हैं कौन सी कोशिकाएं या कौन सी ग्रंथियां, तो ये हैं सिरुमिनस ग्रंथियां, जिनके द्वारा कर्ण मोम का स्त्रवण किया जाता है। कान में जो वैक्स आता है सफेद सफेद, वो क्या है, कर्ण मोम है। इसके बाद देखिए अगली प्रकार की ग्रंथियां, कितने मिनट हो गए, 18, ठीक है। इसके बाद आती है मूलाधार या भक्षण ग्रंथियां, मूलाधार भक्षण ग्रंथियां, देखो ये खतरनाक ग्रंथियां कहां पर होंगी, गुदा, गुदा जिसे एनस कहा जाता है, तो ये हैं गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में। कहाँ स्थित हैं, गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में स्थित हैं, और ये ग्रंथियां एक गंध गंधित या गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण, ये क्या करती हैं, एक गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, इसलिए इनको गंध ग्रंथियां भी कहा जाता है, गंध ग्रंथियां, सेंट ग्लैंड, याद रखिए इंपोर्टेंट, सेंट ग्लैंड नाम से आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये क्या है सेंट ग्लैंड, तो सेंट ग्लैंड किसे कहते हैं, मूलाधार या भक्षण ग्रंथियों को कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, और कहां स्थित है, गुदा और मूत्र जनन मार्ग के बीच में। इतना क्लियर है, पांच हो गई। इसके बाद छठी, छठी जो ग्रंथि आती है वो है मीवोमियन, मीवोमियन ग्रंथि, देखो कहाँ स्थित है, आँख की पलक में, पलक में स्थित है, और क्या काम है, कॉर्निया को चिकना बनाए रखना, कॉर्निया को चिकना बनाए रखना, और ये किसका रूपांतरण है, तेल ग्रंथि का रूपांतरण, तेल ग्रंथि का रूपांतरण है, जो कॉर्निया को चिकना बनाए रखती है। इसके बाद लास्ट ग्रंथि आती है जेस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, जेस ग्रंथि, ये भी किसका रूपांतरण है, ये भी तेल ग्रंथि का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है, तेल ग्रंथि का रूपांतरण है, और ये तो कॉर्निया को चिकना रखती है, और ये वाली ग्रंथि है जो बरौनी को चिकना रखती है, बरौनी, बरौनी क्या चीज़ है, ये जो हमारी पलक है, तो ये बाल पाए जाते हैं, इनको कहते हैं बरौनी, तो ये बरौनी की पुटिकाओं में स्थित होती हैं, जैसे ये बरौनी मान लो, तो बरौनी की ये पुटिका है, यहाँ पर जैस ग्रंथि स्थित है, इसका काम है इस बरौनी को चिकना बनाए रखना, तो बरौनी को चिकना बनाए रखने वाली है जैस ग्रंथि, और कॉर्निया को चिकना बनाए रखने वाली है मीवोमियन ग्रंथि, मूल आधार
आधार भाग पर स्थित है, यानी कि गुदा और मूत्रजनन मार्ग के बीच में, सेंट ग्लैंड भी कहते हैं, सेरुमिनस, सेरुमेन, कर्णमोम और कर्णकुहर या कर्णनाल में, स्तन ग्रंथियां हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऊपर का तो ले लिया था, चलो बीच में कहीं भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको हम याद कर सकते हैं कि स्वेद या पसीना ग्रंथि जो थी, स्वेद या पसीना ग्रंथि, उसके रूपांतरण से केवल एक ही ग्रंथि बनती है, जो है सेरुमिनस। सेरुमिनस क्लियर है, पसीना ग्रंथि के रूपांतरण से एक ही प्रकार की या एक ही ग्रंथि बनती है, जिसका नाम है सेरुमिनस ग्रंथि। और जो तेल या सीबीशियस थी, उससे बाकी की सारी बनती हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, इसके बाद मूलाधार ग्रंथि है, मूलाधार, मीवोमियन, मीवोमियन, इसके बाद जेस, ये सारी ग्रंथियां किसके रूपांतरण से बनती हैं, ये सारी ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। तो सिंपल सी बात है, एक याद करो, बाकी की सारी ऑटोमेटिक याद रहेंगे। स्वेद ग्रंथि अकेली सेरुमिनस, तेल ग्रंथि से कौन बनती है, सेरुमिनस, जो कान में स्थित है, कर्णनाल में, कर्णनाल में स्थित है, वो केवल पसीना ग्रंथि का रूपांतरण है, बाकी की सब किसके रूपांतरण से बनती है, तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। अब मैं वीडियो को पॉज करके यहां पर पूरी त्वचा का, त्वचा के व्युत्पन्नों का चित्र बनाने वाला हूं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। हाँ तो दोस्तों, मैंने ये स्किन का चित्र बना दिया है और यही हमारी बुक में दिया गया है। देखिए इसमें हुआ क्या, ये जो लाइनिंग है, ये जो लहरदार लाइन चल रही है, इसको हमने क्या कहा था, अंकुरण स्तर, अंकुरण स्तर। और ये अंकुरण स्तर खांच बनाता है या कगार बनाता है, इस कगार को या इस उभार को हमने रेटिपेक्स कहा था। तो ये तो हमारी पूरी परत है, वो है एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस से दो या तीन गुना कौन मोटी होती है, डर्मिस होती है, और डर्मिस के निचले पार्ट में हाइपोडर्मिस होती है। तो ये हमारी तीन परतें हो गई, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ये डर्मिस, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, कंप्लीट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रोम, तो रोम कांड, रोम जड़, रोम पेपिला, रोम पुटक, ये सारी चीज़ें ये रोम में हो गई। पिछले थोड़ी दिन पहले हमने इसका चित्र बना लिया था। अब इसमें हमने आगे क्या देखा है कि धमनी, धमनी अंकुरण स्तर तक पोषण प्रदान करती है, और ये धमनी ऑक्सीजन देने के बाद किस में चेंज हो जाती है, सिरा में, केशिकाओं के माध्यम से। तो ये अब कहाँ खुलेगी, ये केशिका में आकर खुलेगी, कि सॉरी केशिका में नहीं, धमनी से सिरा में आकर खुलेगी। तो ये जो रेड है वो दिखा रही है कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, और ये रेड चेंज किस में हो गई, ब्लैक में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त था और अब इसमें कौन सा रक्त है, CO2 युक्त। तो ऐसे ही ये यहाँ पर जाकर क्या बनाएंगे, रोम पेपिला बनाएंगे, और ये अंकुरण स्तर को पोषण प्रदान कर रही हैं। और ये जो हमारी है, ये ग्रंथि हमारी यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि। हमने देखा था कि तेल ग्रंथि क्या काम करती है, इस रोम कांड को चिकना बनाए रखना, और कहाँ स्थित होती है, रोम पुटक या रोम की जड़ के पास में। तो ये ग्रंथि है जो हमारी है तेल ग्रंथि, और ये जो हमारी लंबी नलिकाकार ग्रंथि है वो है हमारी पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। इन सब की ओपनिंग कहाँ है, इन सब की ओपनिंग होती है ऊपरी त्वचा पर, ये हमारे रोम है, ऐसे और भी रोम हो सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था हमारा चित्र त्वचा की संरचना का, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको छाप सकते हैं, ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को सभी को भेजें। थैंक यू वेरी मच, भारत माता की जय।